दोस्तों, हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बड़ा महत्व है। पितृपक्ष के दौरान अपने पूर्वजों, परिजनों या पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए तर्पण और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। आमतौर पर यह कर्म बड़ा बेटा या छोटा बेटा ही करता है, परंतु इसके अलावा घर के अन्य सदस्य भी इनकी अनुपस्थिति में पितरों का तर्पण कर सकते हैं। इसी महीने में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें इस दौरान पितरों के सपने भी आते हैं। जी हाँ, ऐसे में हम आपको बता दें कि गरुण पुराण के मुताबिक पितरों का सपने में आना आपके लिए एक विशेष संकेत हो सकता है कि वे आपसे खुश हैं या नहीं। तो चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ सपनों के बारे में। पहला है पूर्वजों को सपने में रोते हुए देखना। जी हाँ, सपने में मरे हुए व्यक्ति को रोते हुए देखना भी काफी अशुभ माना जाता है। इसका मतलब होता है कि उनकी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई है या उन्हें शांति नहीं मिली है। ऐसे में आपको उनके नाम से चीजें दान करनी चाहिए। दूसरा है सपने में यमदूत का देखना। आपको बता दें कि यमदूत को पितरों का साथी माना जाता है। ऐसे में अगर सपने में आपको यमदूत नजर आते हैं तो इसका मतलब होता है कि पितर कष्ट में हैं। ऐसे में उनकी आत्मा की शांति के लिए उनकी पूजा करें और इसी के साथ अन्य जल का दान करें। तीसरा है पितरों का सपने में आना। यदि पितृपक्ष के दौरान आपके पितर बार बार आपके सपने में आते हैं तो इसे शुभ संकेत नहीं कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि वे कुछ कहना चाहते हैं। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान सभी विधियां सही तरीके से करनी चाहिए ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। चौथा है पितरों को कष्ट में देखने वाले सपने। आपको बता दें कि सपने में पितरों को कष्ट में देखना काफी अशुभ माना जाता है। इसका मतलब होता है कि वे आपसे नाराज हैं। इसके लिए इस दौरान घर में रामायण का पाठ करना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, अब आपको यह तो मालूम हो ही गया होगा कि श्राद्ध क्यों मनाए जाते हैं और कितने ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं ये। मगर हाँ, यदि आप हर साल किए जाने वाले श्राद्ध कर्म को नहीं कर सकते हैं तो इसका एक उपाय है जो कि आप कर सकते हैं, और आपके इस एक उपाय के चलते आपके सभी पूर्वजों को स्वर्ग प्राप्त हो सकता है। जी हाँ, तो बिना देरी किए आपको बता दें कि विष्णु पुराण में लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति इस पाक महीने में गया जाकर वहाँ पिंड दान करता है तो उसके सभी पूर्वजों को मोक्ष मिल जाता है और वे स्वर्ग चले जाते हैं। माना जाता है कि यहाँ स्वयं भगवान विष्णु पितृ देवता के रूप में मौजूद हैं, इसलिए इसे पितृ तीर्थ भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आशा है कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और आपको अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए सही मार्ग दिखाई दिया होगा जिसे आप अपना सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ यदि आपने अब तक हमारा वीडियो लाइक या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें। धन्यवाद।